झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंगल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद जिस तरीके से झारखंड में हलचल भी देखने को मिल रही थी, स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम जो अधिकारी है वो उनके साथ जिस तरीके से जज कॉलोनी पहुंचे थे और वहां पे तमाम जो पेशी है उनकी हुई थी, जिसको लेकर जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और ईडी कार्यालय से उन्हें ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, ईडी कोर्ट में उन्हें ले जाया जाएगा और कागजी प्रक्रिया के बाद उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन कोर्ट बंद होने की वजह से उन्हें सीधा जज कॉलोनी ले जाया गया था, जहां पर ईडी के जो जज है यानी कि प्रभात कुमार शर्मा उनके सामने पेशी की गई, उसके बाद उन्हें होटवार जेल ले जाया गया। हालांकि आपको बता दें कि ईडी की ओर से 12 दिनों का रिमांड मांगा गया था, लेकिन सिर्फ 5 दिनों का रिमांड उन्हें मिला है और कुछ ही देर के बाद झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंचेगी। लेकिन अगर उनके जो सीए है सुमन कुमार सिंह उनकी बात करें तो वो इस वक्त ईडी कार्यालय में है, जिस तरीके से वो 5 दिनों तक रिमांड में थे, आज उनका आखिरी दिन है और कहा जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें 4 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा उन्हें रिमांड मिला जाए। जिस तरीके से पूछताछ जिस तरीके से जारी थी, या फिर उनके जो पति है उनकी बात कर ले अभिषेक झा की, या फिर सीए सुमन कुमार सिंह की बात कर ले, या फिर जो झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंघल की बात कर ले, जिस तरीके से पूछताछ जारी थी और आज उन्हें जिस तरीके से पूजा सिंघल को 5 दिनों का रिमांड मिला है, ईडी कार्यालय में उन्हें बुलाया जाएगा, जिस तरीके से पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी था, कह सकते हैं कि जिस तरीके से सोमवार को ईडी की ओर से सुमन भेजकर उन्हें तलब किया गया था, वो मंगलवार और बुधवार को ईडी कार्यालय पहुंची थी और ईडी की ओर से तमाम जो सवाल है वो पूछे जा रहे थे, लेकिन ये भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संतोषजनक जवाब जो है वो पूजा सिंघल की ओर से नहीं मिला जा रहा था, इसलिए उन्हें फिर से बुधवार को बुलाया गया था। बुधवार को लगभग सुबह से लेकर शाम तक उनसे पूछताछ की गई, उस वक्त भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला जा रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस तरीके से उनसे पल्स अस्पताल में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ है 120 करोड़ का, 20 करोड़ जिस तरीके से उन्होंने लोन लिया था, 100 करोड़ की वो जानकारी नहीं दे पा रही थी कि आखिर कहां से आया है, और जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति का भी जो मामला है वो यहां पर है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, जिस तरीके से उन्हें शाम को गिरफ्तार किया गया था, कागजी जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद उन्हें जज के सामने पेश किया गया था और उन्हें जिस तरीके से 5 दिनों का रिमांड मिला गया है, आज से गिनती शुरू हो गई है, सीधा पूजा सिंघल होटवार जेल से यहां पर पहुंचेगी, तमाम जो सीआरपीएफ के जवान यहां पर मौजूद थे उन्हें भी होटवार जेल ले जाया गया और उन्हें वहां से लाया जाएगा और तमाम जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर मंगलवार और बुधवार की बात करें तो लगातार जो पूछताछ है, चाहे हम बात कर ले अभिषेक झा उनके पति की, या फिर सीए सुमन कुमार की, या फिर पूजा सिंघल की बात कर ले, तो पूछताछ जिस तरीके से जारी थी उसके बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की वजह से 2 दिनों तक उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था और बुधवार को उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और कह सकते हैं कि उन्हें रात में जेल में ही रात काटनी पड़ी थी, क्योंकि जिस तरीके से आज से रिमांड में है तो कल वो होटवार जेल पहुंचे थे, हम आपको वहां की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ही देर के बाद ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ही देर के बाद पूजा सिंघल यानी कि झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंचेगी और फिर से जिस तरीके से पूछताछ का जो सिलसिला था वो जारी रहेगा और आज जिस तरीके से सुमन सिंह यानी कि उनके जो सीए है उनका रिमांड खत्म हो जाएगा, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की ओर से ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि उन्हें फिर से रिमांड मिले और सवाल जिस तरीके से ईडी की ओर से पूछे जा रहे थे फिर से वो पूछताछ जारी हो। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी खुलकर सामने आ रहा है कि शायद आज उनके जो पति है अभिषेक झा उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, ये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से हलचल भी तेज हो गई है, सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। हालांकि सुबह से ही जो आप देख सकते ईडी का जो कार्यालय है मेन गेट है वहां पर सीआरपीएफ
के जो जवान है वो तैनात है, लेकिन जिस तरीके से पूजा सिंघल को अभी लाया जा रहा है होटवार जेल से, तो ये हम आपको दृश्य जरूर दिखाएंगे जब वो होटवार जेल से यहाँ पर पहुंचेगी, ईडी दफ्तर पहुंचेगी, और जिस तरीके से जो सवाल का जो सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा तो वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जो खबर है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, हमारी जो पैनी नजर है उससे हम आपको जो खबर है वो पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से कुछ ही देर के बाद पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंचेगी उसकी भी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा 22 को 5।